हेलो, कहिए कैसे हैं। और आज एक बात करूंगी, ठीक है। हालांकि मैं काम नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैंने काम किया है। हाउस वाइफ अब भी हूँ, पर पहले मैं हाउस वाइफ भी थी, घर का काम भी करती थी, उसके साथ साथ बाहर का भी काम करती थी। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ बातें बताऊंगी, बोलूंगी, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, कोई भी काम करते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। पर दूसरे को लगता है ना कि वो काम तो बहुत ही छोटा है, वो कोई भी काम कर सकता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 10 आदमी के बीच में आपको इंसल्ट करेगा वैसा आदमी, बहुत लोग ऐसे होते होंगे, हर किसी के लाइफ में मिलता ही होगा। जो जॉब करते होंगे उसको तो अधिकांशता मिलता ही होगा, क्योंकि कोई अपने नीचे झुकाता ही झुकाता है ना। चाहे ऑनर हो, चाहे आप किसी भी ऑफिस में जाओ या कहीं भी जाओ, तो आपको ये लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके आसपास जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें भी मिले ऐसा नहीं है, हर किसी को मिलता है, ठीक है। पर एक बात बताऊं, हमें कभी भी ना अपनी चाबी दूसरे को नहीं देना चाहिए, ताकि वो हमारा इंसल्ट करे, ठीक है। आप तब तक उसको आप हंसी मजाक में उड़ा सकते हो जब तक आपकी सहने की क्षमता होगी, ठीक है ना। जिस दिन आपकी ये सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी ना, आप उस बंदे को जवाब देने लग जाओगे। तब पता है क्या होगा, वो बंदा आपको हर जगह गलत साबित करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, है ना। शायद ही हर किसी के साथ होता होगा, है ना। पर कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप सामने वाले को नहीं बोलोगे ना, तो वो अपनी हदें भूल जाता है। तो कभी कभी इंसान को ना उस व्यक्ति को उसकी हद याद दिलाने के लिए बोलना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा अगर कोई मिले ना, तो जरूर बोला करिए, क्योंकि चुप रहना भी ना एक बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। आप अंदर ही अंदर घुटन से घुटते रहोगे और किसी को कुछ नहीं बोलोगे, तो एक गलत बात है। अगर आपको लगता है ना कि वो गलत काम कर रहा है, आपको गलत बातें बोल रहा है, तो आप क्यों सुनते हो? आपको वो क्या कमा कर खिला रहा है? क्या आपके घर की जो रोजी रोटी चलती है वो चला रहा है? नहीं ना, आप स्वयं चला रहे हो ना, है ना। आप स्वयं सक्षम हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी काम करो, ठीक है, कोई भी काम करो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। पर वो सामने वाला जो होता है ना, वो किसी बड़े पोस्ट पे होगा, तो आपको इंसल्ट करेगा, तो ऐसा कदापि भी मत कर होने दीजिए, ठीक है ना। वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, पर मेरा काम भी छोटा है नहीं है, काम काम होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ऐसे करता है ना, तो आप लाइफ में कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ना, कहते हैं संबंध तो रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप काम करते हो, आप ऑफिस में हो, तो जाहिर सी बात है रखना पड़ेगा, मजबूरी है ना। पर उसी हद तक रखिए जहां तक चल पाए। और कभी भी ऐसे व्यक्तियों को ना अपने मन की बात तो कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही खराब होता है, बहुत। वो कब आपको डस लेगा, या कब आपके प्रति दूसरे को गलत बातें बताएगा, ये आप खुद भी नहीं जानते हो। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों बोले, या ऐसे व्यक्ति का चुनाव हम अपने जीवन में क्यों रखें, है ना। एक ही रखिए, एक ही दोस्त रखिए, या जो भी रखिए, पर अच्छा रखिए, ताकि आपको अच्छे समय में, बुरे समय में आपको अच्छी बातें बताए, और ये जब गलत काम करते हैं तो आपको बोले ना। कि ऐसे दोस्त रखिए, ऐसे लोग रखिए कि कभी भी आपका मजाक बना दे, कभी भी आपका साथ छोड़ के चला जाए, नहीं, ऐसे दोस्त मत रखिए। ऐसे दोस्त लोग समय पड़ने पर ना कब धोखा देंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिश्ते भी पैसे ही बनाइए, ठीक है। इसलिए लाइफ में अगर कोई आपको आत्मसम्मान से भी बढ़कर अगर कोई कुछ आपको बोलता है ना, तो बातें मत सुनिए, ठीक है। इसलिए यही कहना था, छोटी सी बात, क्योंकि हमने सुना, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते, क्योंकि हर जगह ये जो शब्द होता है ना, और ये मालिक और नौकर का ना, ये शायद पता नहीं, जो मालिक होते हैं बहुत सब ऐसे नहीं होते होंगे, मैं मानती हूँ, पर कुछ मालिक ऐसे होते होंगे जो कि जो स्टाफ काम करता होगा उसको मतलब नीचे समझते होंगे, या जो कम काम करता होगा, है ना, या कोई भी काम करता होगा तो उसको मतलब इम्पोर्टेंट नहीं देते होंगे, और जो बढ़िया ओहदा पर होगा उसको इम्पोर्टेंट देते होंगे। तो कहने का मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, काम काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने घर को चलाने के लिए, हर काम करने के लिए सक्षम होते हैं, ताकि हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारे बच्चे बीवी को कष्ट नहीं हो, हर पुरुष यही चाहता है ना।
और यदि कोई काम कर रहा है, आप उसको बार 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 आप उसको बोलोगे, कचोटोगे, तो फिर वो इंसान एक दिन अपनी हद भूल जाएगा और आपको अपनी हद दिला देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। आप कभी भी किसी से भी बोलिए तो सोच समझ कर बोला करिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि हमारी ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना।